वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट एट जीएमसी बदायूं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको जीएमसी बदायूं के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि अबाउट दिस कॉलेज जो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उन सब में जीएमसी बदायूं एंड जीआईएमएस नोएडा, इन दो मेडिकल कॉलेजेस में इनका हॉस्पिटल उन्हीं के कैंपस के अंदर है, है ना। तो इस चीज का जो बेनिफिट है वो आपको सेकेंड ईयर की जब पोस्टिंग स्टार्ट होती है तब आपको पता चलता है कि सेकेंड ईयर में आपका अकेडमिक ब्लॉक और हॉस्पिटल अगर जब दूर दूर होता है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उस वक्त आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है। सो इसका जो हॉस्पिटल है वो 2016 में ही स्टार्ट हो गया था और जीएमसी बदायूं में जो पहला बैच है वो 2019 में आया था, फर्स्ट बैच, ठीक है। और मैं 2020 बैच की हूँ, सेकंड बैच है मेरा, और अभी तक टोटल 3 बैच आ चुके हैं, 19 बैच, 20 बैच एंड 2021 बैच, ओके। सो ये जो कॉलेज है अभी तक फर्स्ट बैच मतलब 19 बैच और 20 बैच जो था वो अभी तक एमजेपी यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड था। अब जो 21 बैच है थर्ड बैच वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। बिकॉज क्यों, अब सभी मेडिकल कॉलेजेस, ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेजेस को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एफिलेट किया जाना है, सिंगल वन यूनिवर्सिटी फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, ओके। सबसे अच्छी खास बात हमारे कॉलेज की ये है कि हमारे कॉलेज को पीजी की 4 डिप्लोमा सीट्स अलॉट हुई हैं डीएनबी पीडियाट्रिक्स में, सो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। सो बाकी अगर देखा जाए तो इन ऑल द न्यू मेडिकल कॉलेजेस आप जीएमसी बदायूं को चूज़ करना काफ़ी अच्छा डिसीजन आपका रह सकता है, इन ऑल अदर न्यू मेडिकल कॉलेजेस। अगर देखा जाए तो बदायूं जो है वो बरेली से 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पर है, दिल्ली से 5-6 आवर की डिस्टेंस पे है, आगरा से अराउंड 4 आवर्स की डिस्टेंस पर है, और नैनीताल से अराउंड 5-6 आवर की डिस्टेंस पर है। तो इससे क्या है कि आप अगर शॉर्ट ट्रिप्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल है, ओके। तो चलो थोड़ा सा कैंपस के अंदर एक स्मॉल कैंटीन अवेलेबल है। कॉलेज जो है ना हमारा, ये कॉलेज मेन हाईवे पर ही सिचुएटेड है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉलेज के गेट से बाहर निकलो बस मिल जाती है आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, बरेली, इन सब जगहों के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है गेट से। सो इन कैंपस गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल काफ़ी दूर दूर सेपरेटेड है, गर्ल्स हॉस्टल है, देन उसके बाद बीच में एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्पिटल एरिया, इसके बाद पीछे जाकर बॉयज़ हॉस्टल है, और दोनों ही हॉस्टल्स में उनके सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बाकी जो इस कॉलेज का कैंपस है वो है 100 acres का कैंपस, बट हाँ स्टिल जो कॉलेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी लगभग इसका ये जो कंप्लीट होने का टाइमिंग है वो 2024 तक मे बी ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कॉलेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओके। सो एकेडमिक ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो एकेडमिक ब्लॉक के अंदर जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती हैं उसे एकेडमिक ब्लॉक कहते हैं, उसके अंदर 6 फ्लोर हैं विद प्रॉपर लिफ्ट फैसिलिटीज़ वगैरह सब अवेलेबल हैं यहाँ पर, है ना। और अभी तक तो 3 बैचेस हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के, और तीनों बैचेस हैं तो तीनों बैचेस की लैब्स जो हैं वो वेल मेंटेन्ड हैं, डेमो रूम्स, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स होते हैं, लॉकर रूम्स होते हैं, डाइसेक्शन हॉल्स, लेक्चर थिएटर, ऑल आर वेल बिल्ट। अब थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, तो हॉस्टल के में क्या है कि डबल सीटेड रूम्स प्रोवाइडेड होते हैं विद बालकनी इन ईच रूम, हर रूम में बालकनी दी हुई है और 2 लोग एक रूम में रहते हैं, और
24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की सप्लाई तो है ही, वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं हर फ्लोर्स पर, मतलब एक साइड सारे रूम्स होते हैं, देन साइड में बाथरूम्स होते हैं, बाथरूम वॉशरूम्स वगैरह, और एक ह्यूज ग्राउंड भी है हॉस्टल्स के सामने, गर्ल्स हॉस्टल के सामने भी और बॉयज़ हॉस्टल के सामने भी। ओके सो अब हम थोड़ा टीचिंग फैकल्टी के बारे में बात करते हैं। तो टीचिंग फैकल्टी में क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, जैसे कि AMU, GSVM, LLRM, KGMU वगैरह, काफ़ी रेपुटेड जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से आए हैं। और कुछ प्रोफेसर्स तो ऐसे हैं जिनको 30 ईयर्स 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं। ओके तो जो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, JRs, लैब टेक्नीशियंस सभी अवेलेबल हैं, है ना, सभी ट्यूटर्स वगैरह सभी हैं, और जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऑल आर वेरी फ्रेंडली इन बिहेवियर, सो इट्स ऑल गुड। सो लास्ट बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही थी 2020-21 में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो मैंने लिख के रखो है जनरल कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ रैंक मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। लास्ट कट ऑफ रैंक जो रही थी 13,747, दिस वाज द लास्ट रैंक ऑन विच द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट टुक द एडमिशन। ओके सो इन EWS कैटेगरी में 14,487 रैंक में लास्ट एडमिशन हुआ था, सो दिस इज द कट ऑफ रैंक। एंड OBC कैटेगरी में 15,553 रैंक पर लास्ट एडमिशन हुआ था, एंड SC कैटेगरी में 1,16,223 रैंक पर लास्ट एडमिशन हुआ था। सो अगर मैं कहूँ तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रैंक रही है 13,000 समथिंग, EWS कैटेगरी की कट ऑफ रही है 14,000, OBC कैटेगरी की कट ऑफ रही है 15,000, SC कैटेगरी की कट ऑफ रही है 1,16,000। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट GMC बदायूं इन शॉर्ट। अगर आपका रिजल्ट आता है, अगर आप अपने कॉलेज की जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो और उसमें जब न्यू कॉलेजेस को फिल करने की बात है तो ऑब्वियसली उसमें GMC बदायूं फर्स्ट नंबर पे डालिएगा, क्योंकि अदर न्यू कॉलेजेस के कंपैरिजन में दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको पुराने कॉलेज मिलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर नए कॉलेजेस में हैं तो आप पहले इसे डालिए, ठीक है। और जो भी कट ऑफ रैंक है वो मैंने बता दी है 21 बैच की, सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको GMC बदायूं मिलता है, अलॉट होता है, सो प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, समीक्षा दक्ष माय ID, तो वहाँ मुझे बताना ज़रूर अगर GMC बदायूं अलॉट होता है तो। दिस विल बी अमेजिंग न्यूज़ फॉर मी। ओके सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।